आपका सबसे फेमस यहाँ पे दही वड़ा एक बनाए दीजिए, दड़वे दही वड़ा। ये कौन सा दही वड़ा बने? रेगुलर दही वड़ा। मीठी चटनी, तीखी चटनी, इसमें ये नमक, ये काला काला नमक और ये मिर्च, ये पाउडर धनिया। कौन से कहते मसाला डाला वो कम पता चल रहा है। और ये दही से नारा दो फुल रेडी हो गया। नहीं भाई कौन करिया। अरे वाह, इसमें से पानी निकाल दो, ऑयल सारा बाहर आ जाता है। हाँ, इसे हेल्दी हेल्दी रहता है। हेल्दी रहता है। उलद दाल का होता नहीं? हाँ, मूंग दाल का। मूंग दाल है, मूंग दाल। ये पालक पकौड़ा, उसमें भी दही आएगा, सब में दही आएगा, बाजू में समोसा ने कचोरी। लोग ब्रेड साथे खाए, ब्रेड के साथ खाते ना समोसा, किसी के साथ खाओ। बहुत फेमस है शाही समोसा साहेब। शाही समोसा એટલા માટે કે મોટા મોટા સમોસા આપવામાં આવે, તમે ખાઈને ખુશ થઈ જશો ને। અને રાજસ્થાનમાં તમે આવો તો તમે આવી કચોરી મળતી હોય છે, આવી પ્યાજ કચોરી, પછી આ બધી અલગ અલગ વસ્તુ લોકો લાઈન લાગતી હોય છે। આ લોકલ પબ્લિક લોકોનો નાસ્તો છે, લોકલ લોકો અહીંયા વધારે ખાવાનું પસંદ કરતા હોય, તો તમે પણ આવો તો જરૂરથી તમે આ જરૂરી જગ્યાએ ખાવા આવજો, જે ઘંટાઘર પાસે આવ્યું છે ફોન હોય જાય। એ કેટલા ટાઈમમાં આના પડતા હે? टाइम क्या होता है सुबह में? सुबह 11 बजे से शाम को 9 बजे तक। 9 बजे तक। हाँ। और ये पालक पकौड़े के कितना प्राइस थी? ये पालक 50 है, बाकी सब 55 का है। बाकी सब 55। हाँ। जहाँ पर आओ गया तो मैं खा लियो, मजा आ जाओ। सर मैं अत्यार जो हमारा फेमिली मार्ट आटो धीरू है, फूल मजा आओ। सर छोकरा ने खाईशू अने मौज करशू। तो घंटाघर पास जो तमे आवानू तो थसे, तमारे रागड़ी लच्छी पण बहु फेमस मळे, पण एनी मजा ज अलग छे। કચોરી આવડા મોટા તાવડા ની અંદર મેં પહેલી વખત કચોરી તરતા જોઈ છે, કેવડી કેવડી મોટી મોટી કચોરી લોકો ખૂબ જ પસંદ કરતા હોય છે। તમે જોધપુરમાં આવો તો તમે આ શાહી કચોરી ખાવાનું ખરેખર ભૂલતા નહીં ભાઈ, કારણ કે અહીંયા છે ને શાહી એટલે ભાઈ આમ શાહી છે રોજ। એ પણ થી પ્યાજ વાળો सबसे ज़्यादा प्याज वाली बहुत खाते रहो यार, पर आम कोई ज़्यादा चटनी आप मन होती है उनको को खाओ तो पसंद करो। अभी हम महल छे, महल महल है ना? हाँ, हाँ उमेद भवन, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज वगैरह की भी यहाँ पे शादियाँ हो चुकी हैं। अभी प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी? प्रियंका चोपड़ा की हुई थी कोरोना से पहले। अच्छा, और उसके बाद में भी काफ़ी बड़े इवेंट्स हुए हैं, और सबसे पहले जो फेमस हुए थे लीज हरी और अरुण नायर की शादियाँ हुई थी। अच्छा, 2007 में। तो पहली पसंद यहाँ पे होती है? आ गए हम उम्मीद भवन में। अभी नो नहीं आए, अभी तक ये कॉलोनी है, यहाँ पे हेरिटेज कॉलोनी है, सब हेरिटेज कॉलोनी, राजा की प्रॉपर्टी है सब इनकी। अरे वाह, चालू हो गया। મિત્રો હવે તમને લઈ જઈશ, 30 રૂપિયા ટિકિટ છે, નાના છોકરાની 10 રૂપિયા છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 5:30 વાગે બંધ થઈ જાય છે। હવે તમને હું અંદર લઈ જઈશ, ચાલો। હવે મોટું વિશાળકાય ગાર્ડન છે, આની અંદર શું જોવાનું છે એ જોવા જશો। અહીંથી અંદર એન્ટર થવાનું છે અને ટોટલી આહ હા ગાઈડ કરને।
क्या बोल रहे थे सर, अभी अभी गज सिंह प्रजेंट हैं और इनका पूरा फैमिली फोटो दिखेंगे ना, आज भी इसी महल के अंदर रह रहे अभी, तो वर्तमान में अभी एज हो गए 74। फादर का फोटोग्राफ ऊपर लगा ना, छोटा टर्बन पे लगाए, और ये उमेश सिंह जी के नाम पे आप देख रहे हैं ना, उमेश भवन, जो ग्रैंड फादर उमेश सिंह जी ने महल बनाया। और ये मॉडल्स बनाए ना, इंग्लिश आर्किटेक्चर ने बनाए, तो अभी जैसे अभी होटल जहाँ प्रियंका चोपड़ा का जो शादी हुआ था ना, वो यही जोधपुर का उमेश भवन पैलेस के अंदर यहाँ होटल का जो 70%। अच्छा, तो ये मॉडल जो बना है ना, इंग्लिश आर्किटेक्चर ने बनाया, 347। कौन से कौन से पिक्चर की शूटिंग हुई? हाँ, गुलामी क्रांति, जुबेदा, अजय, इंडिया बॉर्डर, हम साथ साथ, और बॉर्डर का भी हुआ। आगे से फ्रंट में ऐसा है ना, वो पूरा एक जगह नहीं बनता ना। हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा का शादी के लिए तो पूरा पैलेस बुक था, मतलब पूरा ये होटल वाला महाराज वाला सेक्शन छोड़ के यहाँ फैमिली रहते हैं अभी। और अभी यहाँ है, आप अंदर लिया ना एंट्री यहाँ से, और ये होटल का है यहाँ से लेके अंदर तक का ना। अच्छा, वो ताज होटल है अभी, अभी तो मिडिल से हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें? हाँ, यहाँ अपन जाएंगे, आओ समझा दो। आगे से तो ये देख लिया आपने, फ्रंट यही है, पीछे का जाएंगे ना वहाँ जहाँ बहुत बड़ा ऐसा गार्डन, ये जो दिखाया है बैक साइड का, जहाँ शूटिंग वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे हम साथ साथ फिल्म बना ना उसका शूटिंग भी हुआ है। आओ, मदन कंवर जो यहाँ से विलेज ओशा जी विलेज से थे, महाराज उमेश सिंह, देखो पायलट की ड्रेस के अंदर, ब्रिटिश रूलर के अंदर अपने इंडिया के फर्स्ट पायलट। अच्छा, जो इसलिए हाँ ये ड्रेस में है, और इन्होंने जोधपुर का एयरपोर्ट बनाया दिल्ली से बॉम्बे से पहले। अच्छा, अभी नेशनल पे ना उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोधपुर बिफोर बॉम्बे। जो ये देखो इंद्र और बीच वाले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ये महाराज की ड्रेस में देखना आप, उमेश सिंह। यस, राजा शिकार करते थे। हाँ, ये ओरिजिनल है ना, वो सब पुराना, आराम से, ये शिकार किया हुआ है, इसकी चमड़ा है ना, चमड़ो असली है, अंदर मसाला भरा हुआ है। वैसे ये उमेश सिंह जो थे उनकी बेटी साथ में, देखो आप शिकार के बाद टाइगर भी दिखाई, देखो गाड़ी के ऊपर, फिर बेटी आगे जाकर ना उमेश सिंह की बेटी जो बड़ोड़ा गायकवाड़ फैमिली में शादी हुआ है। और ये अभी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, रियल स्किन है ना, वो अंदर मसाला भरा हुआ है, वैसे आँखें बगरा वो तो ग्लास का है, स्किन ओरिजिनल से, केमिकल हाँ एकदम वैसा केमिकल आता है, जैसे केमिकल में क्या होता है, जैसे ये अपना प्लास्टो पेरिस का लेप होता है, वो अंदर देके सिलाई कर देते हैं ताकि वो ख़राब नहीं होता है। अभी वाले जैसे है ना वो प्रिजर्व्स होता है ना, वैसे वैसे ये प्रिजर्व, ठीक है ना। इनकी वाइफ से है, और इनका एक लड़का है शिवराज सिंह, ये एक लड़की है। माता जी का अभी देहांत हो गया है इनका, देखो आप ऊपर राजमाता का 3 साल पहले देहांत हुआ है, अभी हो गए थे 93 एज के। अब तो महाराज जी बात थी ना नॉर्मल पब्लिक से, नॉर्मल ड्रेस में, जैसे देखो आप होली के टाइम ये पतंग काइट फेस्टिवल टेंपल, तो काफ़ी अभी सब महाराज लोग जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर, कुछ बीजेपी कुछ कांग्रेस, ये इंग्लैंड का जो प्रिंस जब यहाँ आया था ना स्पेशल गेस्ट बन के, तो गज सिंह जी के साथ प्रिंस चार्ल्स का ये पानी का है वो जल भागीरथी नाम से, रॉयल गेम्स महाराज लोगों का पोलो अभी भी है, पोलो हॉर्स, और जस्ट यहाँ से 7 किलोमीटर पे इनका पर्सनल पोलो ग्राउंड भी है, गज सिंह जी के है ना ये बेटे हैं शिवराज सिंह। बाकी पोलो टीम्स नॉर्मल फैमिली से है ना, पोलो एक साइड गेम, कुछ प्लांट भी लगाते देखो गज, ये ऑयल कोठी बना है, ये लगे देखो दो छोटे आगे लगे ना ये साइज के, हाँ ये देखो आप, ये कोठी बना है ऐसे नीचे तक, फिर ऊपर वो बत्ती जाता था। हाँ चांदी में, और ये गज सिंह जी का राजतिलक हुआ ना तब 4 साल में थी। अच्छा, अभी वाले महाराज है ना उनके फादर का देहांत होगा ना, ये देखो 4 ईयर्स में ये खड़े में गज सिंह हुए 4 साल के, साइड में खड़े होते ना चवर बोलते ना, ये हवा बरसाने के लिए। अच्छा, ये अमरेला टाइप ओपन होता है ना, ये देखो ऊपर लगा हुआ है, हाँ ये जरी का काम, जरी वो सोने होता है वो पूरा, ये पीतल की ये जानी पॉलिश है, ओरिजिनल काम है, और जो ये बाहर से अपने इंडिया से पेरिस और लंदन से बनाई गई है, देखो आप डर्बी कंपनी है ना। अच्छा, वहाँ से बनी है, तो लोगों के साथ ईगल्स, जोधपुर स्टेट का सिंबल, सन्नेम राठौर्स, तो ये सारी क्रॉकरी है ना ये एवलम के साथ बनी गई है वहाँ से सवाई जी। और अभी फैमिली रह रहे हैं उनके पास, जो उनका डाइनिंग रूम वगैरह है उसमें ये सारी क्रॉकरी ऐसी जो आप देख रहे हैं ना अभी गिने चुने रखे गए हैं, बाकी ढेर सारा क्रॉकरी आज भी उनके पास। ये कैंडल लाइट वाला है, ये भी चांदी में देखो आप, प्लेट अपन देखा ना सेम,
ये ग्रामोफोन देखना बच्चों, हाँ जैसे ये उमेश सिंह जी का कलेक्शन, तो अभी गज सिंह जी को फैमिली मेंबर में ये सारा क्रॉकरी यूज होता है जो आप देख रहे हैं, इसी टाइप का एंटिक। ये ग्रामोफोन्स म्यूजिक सिस्टम, ये मेरा दिलीप काम कर रहा है। ये सारी ट्रॉफी पोलो में है, चांदी की इंग्लैंड टीम से भी देखो पोलो ट्रॉफी, लकड़ी का हॉर्स, यहाँ है पोलो स्टिक्स बॉल। ये अभी दिसंबर में टीम आएंगी ना, तो जोधपुर टीम इंग्लैंड टीम से भी, और पंजाब राजस्थान जोधपुर जयपुर पोलो, ये है ना पोलो स्टिक, हरा गार्डन होता है ना पोलो ग्राउंड, वाइट बॉल्स। ये कलम पेन जो इंक पॉट में डिप करके लिखते थे, लकड़िया एल्युमिनियम कहते थे, सही खड़िया, हाँ इसको आपके पास आप खड़िया बोलते हैं ना, इंक पॉट और पेन। ये पेपर कटर्स और ब्लैक वाला पेपर वेट, ऐसे कांच में बनता था, हॉर्स वाला पीतल का ना हॉर्स पेपर वेट, ये छोटे स्टैंड के ऊपर इंक पॉट। ये सुरमा आँख के अंदर काजल्स ओपन होता ना, तो ये सुरमा दानी। वर्ल्ड फेमस बेल्जियम ग्लास का है, उमेश सिंह जी अपनी महारानी के लिए, जैसे ड्रेसिंग मिरर देखो सामने वाला, कांच का काम है सब, ये बेल्जियम से, हाँ ये सारा फर्नीचर बेल्जियम से। ये मैं जी ड्रेसिंग मिरर देखो बेल्जियम ग्लास का है, ऑफिसली राइटिंग टेबल, हाथ वाला देखो पेपर वेट है, बेल्जियम्स लकड़ी की पंखड़ी वाला है। अच्छा। और हाँ अभी तक सर्विसिंग नहीं हुआ है, और गज सिंह जी के तीनों फोटो अलग अलग थोड़ा एज के हिसाब से। ये उमेश सिंह जी ब्रिटिश रूलर में जो स्टार्स लगे ना सोने के यहाँ रखे हुए। ये पैलेस भी देखो 18 नवंबर 1929 में फर्स्ट फाउंडेशन, ये सोने का है ना, इससे भूमि पूजन बोलते हैं ना, खत्म मुहूर्त, फिर ओपनिंग हुआ ना, नहीं कैश देखो आप, यस आजकल अपने इंडिया में बनती है, उसमें पेरिस वगैरह से, जैसे फॉरनर है दाढ़ी वाला उधर फैमिली मेंबर तीसरा है, हाँ बिल्कुल, ये पेरिस से, पेरिस जी पेरिस से बनती थी, कुछ लंदन से भी, बहुत पुराना होगा, हाँ ये तो उमेश सिंह के टाइम दादाजी है ना, ये देखो तीसरा लाल कैप में, हाँ ये पुराना रेगुलेटर। कलेक्शन फर्स्ट किंग उमेश सिंह के टाइम का है, तो इसमें घड़ियां हैं डील के अंदर रोमन लिखा ना, पहले बैटरी नहीं होता ना, देखो चाबी, आज भी इस घड़ियों को म्यूजियम के हिसाब से बंद है, बाकी चला सकते हैं, हाँ चाबी देखिए, आज भी 24 आवर्स। ये पेरिस की है, ये लंदन से सिक्स सब घड़ी है, हाँ ये अपने इंडियन मॉडल्स कुछ ऐसे आते हैं ना पुराने, हाँ पुराने हमारे इंडियंस की, ये सब हमारे मोरबी में बहुत बनती थी। अच्छा अच्छा गुजरात में, गुजरात में बिल्कुल बहुत बनती थी। ये हॉलैंड वाला है, ग्रीन ग्रीन लाइट क्लॉक हॉलैंड, तो अभी ये लास्ट है अपना ये देखने का, और बीच में आप ये सब अंदर ले लो, बाहर आप जाओगे ना थोड़े जल्दी पहुंचोगे तो विंटेज कार देखने को मिलेगा। अच्छा जा जो रोल्स रॉयल है कैडिलैक्स वगैरह ना वो भी गाड़ी देखिए, बिल्कुल अभी आप ये लास्ट हो गया। ઇન્ડિયાની અંદર ઘણી બધી એવી બધી વસ્તુઓ જોવા મળે છે કે આજે હું અત્યારે જે કહેવાય કે રાજસ્થાનની અંદર જોધપુરની અંદર આવ્યો છું, અને જોધપુરની અંદર કહેવાય ને તમને એક એવી જગ્યા ઉમેદ ભવનની અંદર લઈને આવ્યો છું કે જેની અંદર તમને જોવા મળશે અવનવી ઘડિયાળ, જો ઘડિયાળનો શોખ હશે ને એના માટે આ જબરજસ્ત વિડીયો છે। પહેલાં વર્ષો પહેલાં રાજા વખતે ઘડિયાળો કેવી હતી એ તમને બતાવીશ, પહેલી તો તમે જોઈને આ વિદેશની બધી ઘડિયાળો છે સાહેબ, આ ઘડિયાળો જોઈને તમારું મંત્ર મુગ્ધ થઈ જશે સાહેબ, એવી બધી અલગ અલગ ઘડિયાળો છે કે તમે ઉપર જે જોઈ રહ્યા છો કે આપણી ઇન્ડિયન ઘડિયાળ છે, પછી આ બધી બહારની વિદેશની ઘડિયાળ છે, આ વિદેશમાં પણ આવી ઘડિયાળો આપણે જ્યારે રાજાઓનો બહુ શોખ હતો ત્યારે બધી ઘડિયાળો રાખતા હતા, અને તમને ખ્યાલ હશે કે ત્યારે એ સમયની અંદર ચાવીવાળી ઘડિયાળ આવતી હતી, આ ચાલુ જ છે ઘડિયાળ, અને અત્યારે તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે આ ચાવી, એ ચાવી પણ અત્યારે હયાત છે, આની અંદર જો ચાવી બે ચાવી ભરવામાં આવે છે બબ્બે અલગ અલગ જગ્યાથી, અને જો ચાવી ભરવામાં આવે તો અલગ અલગ એનો સાઉન્ડ કરીને બહુ સરસ મજાનો અવાજ પણ કરતી હોય છે, અને ઘડિયાળ સુંદર મજાની લાગતી હોય છે। આ પોલેન્ડની બધી ઘડિયાળો છે સાહેબ, તમે પોલેન્ડની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો કે અલગ અલગ ટાઈમિંગ સાથે તમને એ જોવા મળશે, અને આ બધી ઘડિયાળો અલગ જ તમને કંઈક અનલ જે કહેવાય ને કે મને તો કંઈક અલગ જ ટાવરવાળી ઘડિયાળ ને અલગ અલગ ઘડિયાળો બધી તમને લાગશે।
रोल्स रॉय गाड़ी ना शौक होए 1927 से स्टार्ट थी शायर गाड़ी रोल्स रॉय से भाई जोधपुर केव लाग्यो नि त मस्त लागे बत्ती रजवाडा वखत ने जोने वर्षो आ म्युझियम मा आपण जवा ब्लॅक एट रोड मास्टर बद्दी अलग अलग गाडी असे खूब ज मजा आवी गई गर्मी गर्मी थई गई पण खरेखर आम एक वार आवुं जोईए અંદર બહુ મજા આવી ઘડિયાળનો જેને શોખ હોય મને તો ઘડિયાળ બહુ ગમે મને થાય કે બધી ઘડિયાળ હું લઈ જાઉં મારા ઘરમાં રાખી દઉં મને ગાડીનો બિલકુલ શોખ નથી આ બધા જાણો છો જેને જેને ગાડીનો શોખ હોય એને તો ખૂબ ગમશે અને એક વસ્તુ મને જોધપુરમાં બહુ સારી લાગી તમે જ્યાં જશો ત્યાં ફૂલ ઠંડુ પાણી મળશે તો હવે છે ને વાર નહીં કરું અહીંથી હું જઈશ હવે ઘરે આગળ પણ લઈ જઈશ તમને તો આજનો વિડીયો આપણે આટલો જ રાખીએ મળીએ નવા વિડીયો સાથે નવી મોજ સાથે મળશું મેળે ખેડે મળશું ગામ ગીએ નહીં મળ્યા મેં કરણ થી દિયા ધરતી તક થી હરિયમ દસ જે માતાજી કાલે પાછા નવા વિડીયો સાથે આવી જાજો મળીએ આપણે ચાલો.